जन्नत जी रुकिए, जन्नत जी का राइट में अरे अनुज भाई मैं को क्या धक्का दे रहा हूँ, जन्नत जी एज अटेंड हो जाइए ना, जन्नत जी राइट, जन्नत जी अरे सदा तेरा हो गया ना, पारुल जी बुला लिए ना, रुको रुको बाइट कर देते हैं, जनक जनक सर सेंटर मैं थोड़ा लेफ्ट थोड़ा साथ में थैंक यू अरे भाई क्या तू आगे तू पा रहा असिम बने एक मिनट गुज जाएगा बट बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है, बिकॉज मोमेंट जो है काफ़ी स्पेशल है, न्यू ईयर है और आज 30th है और ऐसा लग रहा है कि इससे अच्छा क्या ही तरीका होता है मेरा ये ईयर एंड करने का, और बहुत एक्साइटेड बहुत खुश। ओके सो टॉकिंग अबाउट योर सॉन्ग इज डूइंग रियली ग्रेट, सो किस तरह का रिस्पांस आ रहा है आपको? बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है कि हम बिग बॉस आ गए हमारे गाने के लिए, बल्ला बल्ला के लिए सबने इतना प्यार दिया है और थैंक यू सो मच, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू गाइज, थैंक्स फॉर ऑलवेज लविंग एंड ऑलवेज बीइंग सो सो सपोर्टिव। ओके सो टॉकिंग अबाउट योर को-स्टार सिद्धार्थ निगम इज ऑल्सो इन, सो उसके साथ काम करने में कितना एक्साइटेड लग रहा है? उसके साथ काम करना लगता नहीं है बिकॉज वी आर बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स और इतने सालों से एक दूसरे को जानते हैं और स्पेशली बल्ला बल्ला बिकॉज इट वाज सच अ फन सॉन्ग, हम डांस कर रहे हैं और इतना हमारा अलग लुक था, हमने रिहर्सल्स किए तो आई थिंक ओवरऑल एक्सपीरियंस हमारा बहुत ही अच्छा और बहुत ही फैमिलियर और फ्रेंडली। ओके सो हाल ही में 83 रिलीज हुई, क्या आपने देखी मूवी? नहीं अभी मैंने नहीं देखी है बिकॉज अभी जो कोविड के केसेस आ रहे हैं इतने बढ़ रहे हैं तो अब थिएटर जाने में थोड़ा डर सा लग रहा है तो अभी तो नहीं देखी है, बट या मैं देखूंगी जरूर। ओके सो बिग बॉस के कंटेस्टेंट का अंदर है तो कौन से कंटेस्टेंट को आप सपोर्ट कर रहे हो? मैं अपना पर्सनल फेवरेट बताऊँ तो मुझे राखी जी बहुत पसंद है, बहुत ही अमेजिंग है, बहुत एंटरटेनिंग है, हमेशा मस्त रहती हैं और वो जो भी करती हैं चाहे वो डांस हो चाहे कुछ भी लोग बहुत अच्छे से करती हैं और मैं उनको सपोर्ट कर रही हूँ, आई पर्सनली आई लव हर। जिंदा आप भी कलर्स का हिस्सा रह चुकी है, क्या अगर आपको आगे टाइम मिलेगा तो बुलाएंगे तो जानना चाहेंगे बिग बॉस में? बता रहे ये साल मैं सोच रही थी आने का बिग बॉस, ये साल आया था आई वॉज थिंकिंग, बट क्योंकि मैं कभी फैमिली से दूर रही नहीं हूँ, अकेले रही नहीं हूँ तो मैं थोड़ा सा डर गई इस वजह से मैं नहीं आई, बट हाँ जब तक कि अंदर नहीं जाती हूँ आई विश कि मैं ऐसे ही एज अ गेस्ट आऊँ। ओके सो हाउ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर 2022? लुकिंग फॉरवर्ड आई जस्ट विश कि जो भी हो सब कुछ सेफ रहे, सब हेल्दी रहे बिकॉज आई थिंक हेल्थ इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, और अभी जैसा फीलिंग आ रहा है ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा ना हो जाए जिसके वजह से हमने जो फेस किया कुछ महीनों पहले सेकेंड वेव में वो वापस से हमें फेस करना पड़ जाए, सो आई जस्ट विश कि सब हेल्दी रहे और वैसी सिचुएशन हमें 2022 में ना फेस करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइज, थैंक यू।
थैंक यू। अरे इसको बोलना पड़ता है भाई, आसिम गलत है, आसिम गलत है, आसिम गलत है, साले साले मेरा बोल, ये भी साले मेरा बोल, जा जा जल्दी जा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आजम खान चलो हो गया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अरे एक तपन का रह गया, तपन नहीं 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 मौका बन गया, क्या यार आसिम मत कर बाबू, भारती जी थोड़ा आ गई, बस बस भारती जी वहीं पे अभी चले जाइए वैनिटी में, बस थैंक यू, गेट बंद कर, गेट बंद कर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बस बस कैसे हो, एक साथ में ले लेते आयन की, हम ठीक हैं, रुक जाइए रुक जाइए, आयन भाई आ जाइए ना, मैम इधर ही आपकी वैनिटी, इधर आ जाओ इधर, सदा भाई